Hola, kuch na tere samne. उस टाइम ना सर ने बाइक सीख रहे इंजेक्शन जो लगाया फिर जो है मेरा दोस्त कुत्ते की मौत मर गया। ये देखो भाई, ये रखने की जगह देखो कैसे बना, ये नहीं यार, वो अपने मोबाइल को तो देख कर आओ, ऐसा ना हो कि 120% हो जाए। यार नईम भाई, जी जी जी, चाय वाला अभी तक नहीं आया, कितनी देर हो गई है? दुनिया के सबसे अच्छे दो बैट्समैन है बाबर आजम और विराट कोहली, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये क्या कर रहा है? बंदूक बना रहा है। देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टर खान और आज आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूं भाई। आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वो भी उसने मुझे कॉल की थी, वो खड़ा हुआ है नाके पे, उसने कहा है कि आ जाओ फिर चलते हैं कहीं, चाय वगैरह भी पियेंगे और थोड़ा सा आपको भी अपडेट करते रहेंगे, आपको भी इंटरटेन करते रहेंगे। अभी मैं रेडी भी हो चुका हूं, देख सकते हो आप, कपड़े मैंने कल वाले ही पहने हैं, क्योंकि अभी आपको पता है ना महंगाई बढ़ गई है, तो एक कपड़े को तकरीबन दो दिन तो चलाना बनता है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसलिए मैंने कपड़े भी वही पहने हुए हैं और अभी जो है मैं निकल रहा हूं, वहां जाके आपको अपडेट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो देख सकते हो आप मेरे साथ एक दोस्त हैं, इनका नाम नईम थईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये भाई एक टीचर हैं माशाल्लाह। अभी हम जो है जा रहे हैं, कहीं बैठेंगे जाके, घूमेंगे फिरेंगे या चाय वगैरह पीते हैं जाके, आगे आपको अपडेट करते हैं जाके। तो आप कल मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था ना कि रोड वगैरह ब्लॉक की हुई है, ये देखिए टैंकर बीच में रखा हुआ है भाई, देखो एक साइड पूरी बंद है, अभी ये आने जाने वाली साइड सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए अभी सेटिंग हो रही है, अभी 12 बजे, मतलब कि ये 10 बजे की रोड जो है बंद हुई पड़ी है, पता नहीं है कहीं साइड से भी बंद है। यार नईम भाई, जी जी, वो ना किसी शॉप पे रुकना अपना जैद कैश वाली पे, जी जी, या पीसी वगैरह पे, मैंने किसी को पैसे भेजने। चलो ठीक है, आगे आ रही है पीसी वाली शॉप, रुकते हैं उसे, चलते हैं फिर जाके अल मुर्तजा पे चलते हैं, चाय वगैरह चलो पीते हैं जाके। मुर्तजा होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, हाँ उसकी लोकेशन भी अच्छी है और वहाँ पर सीन वगैरह भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। गाइस देख सकते हो आपके नईम भाई मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हैं। अभी होटल वालों ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने बंदे आते जाते रहते हैं, अब हम यहाँ पर चार्जिंग लगा के वो वहाँ दूर जाके बैठे। ये देखो मोबाइल चार्जिंग की, ये देखो भाई ये रखने की जगह देखो कैसे बना, ये नहीं। जी गाइस, तो देख सकते हो आप कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं होटल पे, यहाँ पर देख सकते हो आप कि कितना खूबसूरत व्यू है, ये देख लें आप। हर कोई यहाँ पर आया हुआ है, बैठे हुए हैं, आज छुट्टी का दिन भी है, सारे यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, गपशप कर रहे हैं भाई। हम भी आए हुए हैं, मैं भी, सर नईम भी आए हुए हैं। नईम साहब, जी जी जी, होटल वाला जो वेटर आया था हमारे पास, हाँ, ऑर्डर कैसे लिया उसने? कैसे गुस्से में कह रहा था कि क्या चाहिए? हाँ यार, लगता है घर वालों ने निकाल दिया उसको, लग कुछ ऐसा ही रहा है। तो सिकंदर भाई, जी जी, लग रहा है यार तबीयत मेरी नासाज हो रही है, शायद बुखार सा आ रहा है। अरे बुखार आ रहा है आपको? चलो फिर लेकर चलूं डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास? वो जो मेरे घर के साथ है, वो बड़ा कमाल का डॉक्टर है। एक मरतबा मेरे दोस्त को ना फीवर हुआ था, अच्छा, तो मैं उसे लेकर गया, उसने एक टेबलेट दी, टेबलेट दी, सुबह में मेरा दोस्त था ही। क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं कोई दूसरा बता। दूसरा? अच्छा, जहाँ पे वो दर्जी है ना, उसके साथ एक डॉक्टर है, उसके पास, हाँ बड़ा कमाल का डॉक्टर है भाई। अच्छा। एक मरतबा ना मेरे दोस्त को, उसको भी फीवर हुआ था, मैं उसके पास लेकर गया था। अच्छा। तो भाई वो जो है उसने ना एक इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन जो लगाया फिर जो है मेरा दोस्त कुत्ते की मौत मर गया। नहीं भाई नहीं, मुझे ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना। सिकंदर भाई, और एक है जो नाके पर है, उसके पास लेकर चलूं? खबरदार जो उसका नाम लिया तो। 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। 24 घंटे तो नहीं लगा रहता, 10-15 मिनट दे देता है मरीजों को। वो 10-15 दिन में ही मरीजों को खत्म कर देता है। वो 10-15 मिनट में मरीजों को खत्म नहीं करता, 10-15 मिनट दे देता है। अभी बच्चे ना बच्चे उनका नसीब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं यार, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत सेट हो रही है। यार नईम भाई, जी जी जी, चाय वाला अभी तक नहीं आया, कितनी देर हो गई है? हाँ यार, बंदा तो अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको, बंदे को गुस्सा था भाई, अच्छा नहीं लग रहा था, रात को नींद पूरी नहीं हो रही। हमने तो चाय कहा था, ये तो वो लेकर आ रहा है, केक लेकर आ। नसीब अच्छे हैं।
ये देखो भाई चाय भी आ गई और केक भी आ गया है। ये भाई मेरा पावर बैंक। व्यूअर्स, तो आज आपको एक राज की बात बताता हूँ कि 4 साल पहले मैं और नईम एक साथ काम कर रहे थे। उस टाइम ना सर नईम बाइक सीख रहे थे। अच्छा जी जी, और आज तक सीख ही रहे। सिकंदर भाई उसके बड़े फायदे हैं। कैसे भाई? देखिए उस वक्त मैं बाइक सीख रहा था और आज भी सीख रहा हूँ। जो सीख जाता है उसके बड़े नुकसान। चल झूठा, आज तक हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो हम तो सीख चुके हैं भाई। आप लोग बाइक सीख रहे हो, अब आपके नुकसान बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी घर का सौदा होगा आपको कहेंगे भाई ये लेके आओ वो लेके आओ। इतनी ठंड में बंदा 4 पैसे नहीं उठता तो बाइक कैसे चलाएगा। दूसरा शदीद गर्मी हो, जून जुलाई का मंथ हो और आपको कहा जाए कि जाओ भाई बर्फ़ लेके आओ, तो उसमें इंसान को जो है वो बहुत तकलीफ होती है। बड़ी सोच है। इसलिए मैंने सोचा कि यार सारी जिंदगी बाइक सीखते ही। ख्यालों में लाखों यूं तो बातें कह गया, बोला कुछ ना तेरे सामने। अरे बस कर, रुलाएगा क्या यार? नहीं यस, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मुझे सिंगर नहीं बनना चाहिए। मान यार साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले। यार आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है। आतिफ असलम तो गए हो? जी जी यार, वो अपने मोबाइल को तो देख कर आओ, ऐसा ना हो कि 120% हो जाए। बात तो सही है। कल की बात है, कल मैंने लगा के भूल गया था, 150% हो गया। क्या बोला तूने? सिकंदर भाई मैं जाऊँ मोबाइल लेकर आऊँ, देख कर आओ, ऐसे ना हो कि 150 से भी ऊपर हो जाए। हाँ इसकी मार तो खत्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलो देख आओ, देख आओ। अरे जा। हाँ जी गाइस, तो देख सकते हो आपके नईम साहब वापस आ गए हैं, मोबाइल भी उठा कर रहे हैं। मोबाइल तो नईम अच्छा लग रहा है आपका, आईफोन है क्या? आईफोन नहीं है भाई, आईफोन तो बेकार सट्टे ही। कुछ भी, ये रेडमी का सट्टे बहुत ही प्यारा चल रहा है, मैंने 2 मंथ पहले लिया है। अच्छा चलने में कैसा? चलने में बहुत प्यारा है, और आप भी यूज करें और अपने व्यूअर्स को भी बता दें, इतना बहुत प्यारा सेट है। अच्छा व्यूअर्स, इस सेट को लेने की कोई जरूरत? आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछो। सिकंदर भाई दुनिया के सबसे अच्छे 2 बैट्समैन हैं बाबर आजम और विराट कोहली, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे जी जी आप दोनों ही अच्छे नहीं लगते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मुझे क्रिकेट ही अच्छी नहीं लगती भाई। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। ओ नो, नहीं चलें अभी यार। हां यार टाइम काफी हो गया है, चलना चाहिए। हां चलें। चलो भाई गाइस, तो हम निकल रहे हैं यहां से, फिर आगे जाके आपको अपडेट करते हैं जाके। चलो तो देख सकते हो आपके हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। ये देखो नईम साहब मेरे पीछे बैठे हुए हैं। नईम साहब बड़ी जिद कर रहे थे कि मोटरसाइकिल मैंने चलानी है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने घर भी जाना है वापस। नईम साहब याद हो था भिखारी, क्या पूछ रहा था आपसे? थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। अच्छा आप किसको वोट दे? वोट? हाँ भाई उसको भी टेंशन लगी हुई है हमारे वोट दे। बड़ी बात है यार, तो उसको भी टेंशन है, हमने तो कोई टेंशन ही नहीं है। जी गाइस, तो देख सकते हो आपके हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नईम भाई को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, वो अपने घर जाएंगे अभी। तो नईम भाई इनसे अपना दोस्तों से गुजारिश कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना ना भूले, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ जी गाइस, तो देख सकते हो आपके मैं नईम को छोड़ने के बाद फिर घर आया था। घर आया तो थोड़ा फ्रेश हुआ भाई दोबारा से, क्योंकि आया था ना रास्ते में मिट्टी वगैरह बहुत थी भाई, कारें वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन की वजह से बड़ा हशर हुआ पड़ा है रोडों का। तो मैं आया तो अभी जो है फ्रेश हुआ, फिर अपना सूट वगैरह चेंज कर लिया, और उसके बाद भाई खाना वगैरह भी खा लिया है। अभी खाना खा लिया, अभी धूप निकली हुई, थोड़ा धूप का मज़ा ले रहे हैं भाई। क्या बैठ क्या करनी है भाई आपने? मैच पे जाएंगे। मैच पे जाना है? हाँ। अच्छा कौन कौन जा रहे हो? आतिफ और मैं, दूसरे लड़के हैं। अच्छा मतलब कि प्लेयर बन रहे हो आप लोग? हाँ यस। कितने मैच खेलते हो? एक एक में कितने ओवर वाला? वो देखो कितने, पांच छह वाला वो पड़ी है बैट। तो दो वाला आपके यहाँ लाइट है? हाँ। यार हमारे यहाँ लाइट नहीं है, क्यों भला? खराब हो गई है, लगता है खराब हो गई हमारी लाइट। आतिफ यूपीएस तो ऑन कर दो। ये भाई ये
वाईफाई तो नहीं चल रहा भाई। आज चलते हैं मैच पे। अतिक ये बुलाने आया आपको भाई मैच पे जाने के लिए, जाओगे? नहीं क्यों? अरे क्या इधर आ, इधर आओ, देखो क्या ये देखो भाई क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहे? इधर आ और सामने बोल। हाँ क्या हाल है, पप्पा कहाँ है? कहाँ गया पप्पा? चला गया भाई काम पे। सुभान क्या कर रहा है ये, कहाँ लेके जा रहे हो? ओए ये क्या कर रहा है, ओए बंदूक बना रहा है। देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये देखो, ना तोड़ ना तोड़, ट्रायंगल बना दिया। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में कुछ है, ये वही हलवा है जो उस दिन मैंने बनवाया था अपने पहले व्लॉग में। ये देख सकते हो आप, इसको मैंने टेस्ट किया था भाई उस टाइम आधे घंटे के बाद ही, लेकिन आज आपको भी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई हलवा। हाँ जी दोस्तों, तो हलवा मैंने खा लिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त था हलवा भाई। तो अभी जो है वीडियो भी हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि आप ना वीडियोस काफ़ी लंबी बना रहे हो तो थोड़ी मुख्तसर बनाया करो। तो इसलिए हम अभी भाई ट्राई करेंगे, वीडियोस जो होंगी आपके लिए काफ़ी मुख्तसर होंगी, नॉर्मल सी होंगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।